मैं अगर कंपेयर करूं इस गाड़ी के लेग रूम को किसी और गाड़ी के साथ, तो पाकिस्तानी क्रोला को तो आप रहने दीजिए। इस गाड़ी की लेग रूम जो है, इतनी लेग रूम मिलती है टोयोटा की लैंड क्रूज़र में। लैंड क्रूज़र वाली लेग रूम आपको एक 660 सीसी गाड़ी में मिल जाती है, जो कि नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट होता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं इस वक्त बैठा हूँ 2013 मॉडल सुजुकी वैगन आर में, और ये 660 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ है। इंटीरियर की कंडीशन सबसे पहले आप देख लें, कुछ इस तरह से इस गाड़ी की इंटीरियर की कंडीशन है। और जो चीज़ मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है इस गाड़ी के पेडल शिफ्टर्स। बेसिकली पेडल शिफ्टर्स को आप एक एक्स्ट्रा फीचर कह सकते हैं, जो कि आमतौर पर 660 सीसी गाड़ियों में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये क्योंकि टर्बोचार्ज्ड वाला वेरियंट है, इसकी ड्राइव भी नॉन टर्बो वाले वेरियंट से थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, ज़्यादा पावरफुल है ये गाड़ी। तो इसके साथ आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको, इसके जो गियर्स हैं उसको पैडल शिफ्टर्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी की इंफॉर्मेशन आपको मैं देता चलूँ, ये गाड़ी 2013 का मॉडल है, 2017 की इंपोर्ट है, और इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी की। और बॉडी के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ, नॉन एक्सीडेंटल है टोटल इसकी बॉडी, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। इंटीरियर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ पर इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से। तो इसमें जी आपको वन वे एडजस्टमेंट दी जाती है, मतलब आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता। लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको लेदर स्टिचिंग प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। यहाँ पर जी थ्री स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन होता है, और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर ड्यूल कलर टोन यूज़ किए गए हैं, सुजुकी का लोगो मौजूद है। एयरबैग आपको दो मिलेंगे, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए मिल जाएगा यहाँ ऊपर। और उसके अलावा यहाँ मल्टी मीडिया के कंट्रोल्स भी इसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मौजूद हैं। मज़ीद अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो दो एयर वेंट्स यहाँ पर मिड में मौजूद हैं, उनके दरमियान में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ हेडलाइट स्विच मिल जाएगी। एक एयर वेंट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ वाले एयर वेंट सर्कुलर शेप में है, यहाँ वाले एयर वेंट कुछ आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है, ओवल साइड्स हैं इसकी, और कुछ इस तरह से इसकी शेप है। ये वाला जो पोर्शन है ये सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में है। गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक यूज़ की गई है, जिसको आप पियानो ब्लैक भी कह सकते हैं। उसके अलावा नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है, और मिड में आपको ग्लॉसी सिल्वर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट ऊपर मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ नीचे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और यहाँ तीन स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं इस गाड़ी में, एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक बिल्कुल नीचे जिसको आमतौर पर हम ग्लव बॉक्स कहते हैं वो है। काफ़ी हद तक एक प्रैक्टिकल कार है यह। उसके अलावा यहाँ आपको दिया जाता है एक कप होल्डर, और सिमिलरली आपको इस तरफ भी एक कप होल्डर मिलता है, जो कि ड्राइवर के लिए है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल क्यों नहीं दिया जाता। हालांकि ये जैपनीज कार है, ये 660 सीसी आप कह सकते हैं कि सिटी ड्राइव की कार है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी होती है 660 सीसी इंजन के साथ। तो इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। हालांकि जो पाकिस्तान में टोयोटा क्रोला की XLi आती है, बेस वेरिएंट ही हो, लेकिन XLi एक प्रॉपर सेडान कार है, तो उसमें कम से कम इनको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का फीचर आपको नहीं मिलता। तो इन चीज़ों की वजह से जैपनीज़ गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें आपको CVT ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाती है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पेडल शिफ्टर्स की ऑप्शन मौजूद है, तो आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिकली या मैन्युअली अपनी मर्जी से ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा जी अगर आप इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे आपको इसमें इको आइडल का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाता है फॉग लैंप्स के लिए एक बटन। ड्राइवर डोर की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले आप इसके डोर की कंडीशन देख लें। अच्छा, कंडीशन की अगर बात हो ही गई है तो मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस गाड़ी का टोटल इंटीरियर जो है किसी भी जगह पर आपको कोई टूट फूट इसमें नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल शानदार कंडीशन में इसका इंटीरियर है। आप अगर इसका फ्रंट वाला कंसोल देख लें, आप इसके डोर्स देख लें, सीट्स के ऊपर प्रॉपरली लेदर कवर्स इंस्टॉल्ड हैं। ओरिजिनली इस गाड़ी की सीट्स आती हैं फैब्रिक में, यहाँ पर भी आपको इसमें हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगी, साथ ही मिड में यहाँ पर पूरा का पूरा फैब्रिक यूज़ किया गया, जो कि फाइबर नायलोन है, कुछ इस तरह का वॉशेबल टाइप स्टफ़ है, और मुझे लगता है कि इसकी जो सीट्स हैं उसके लिए भी यही फैब्रिक यूज़ किया गया होगा। अभी तो इसमें ये आप देख सकते हैं लेदर की रैपिंग की गई है, जो कि आप कह सकते हैं लेदर कवर्स लगाए गए हैं इसकी सीट्स पर। ड्राइवर विंडो है ये ऑटोमेटिक है, बाकी तमाम इलेक्ट्रिकल हैं। यहाँ पर आता है विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन, और इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स।
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको शीशे ओपन या क्लोज हाथ से नहीं करने पड़ते। यहाँ पर इसके लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं और एडजस्टमेंट के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रोम में डोर लैच आपको मिलेगा, इसका लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर मौजूद है। तो उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, तो आप अगर कोई चीज़ अपनी चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और मज़े की बात है इस गाड़ी में, यहाँ पर कोई हैंड ब्रेक का ऑप्शन मौजूद नहीं है। हैंड ब्रेक के बजाय इसकी जो सीट है उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर पार्टीशन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और साथ ही आपको यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाती है एक अदद आर्म रेस्ट, तो ये जो है बहुत ही कम्फर्टेबल सिचुएशन बना देती है गाड़ी में, क्योंकि अगर आप फ्रंट पर देखें तो इतनी यहाँ पर स्पेस है कि दो के बजाय तीन बंदे भी यहाँ पर आराम कौन से बैठ सकते हैं, इतनी एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है। और इसके ऊपर आर्मरेस्ट भी मौजूद है, तो 660 सीसी गाड़ी में ये तमाम लग्जरी फीचर्स मैं तो कहूँगा इनको पाकिस्तान के हिसाब से आपको इसमें दिए जाते हैं। यहाँ पर जी इसमें आपको मिल जाता है एक स्टोरेज कंपार्टमेंट। 133,080 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और चलिए गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। सो गाइज, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत मज़े की है, क्योंकि ये टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट है तो इसमें आपको इंजन आरपीएम का ऑप्शन भी मिलता है। आमतौर पर जो 660 सीसी गाड़ियां होती हैं जापानीज़ गाड़ियां, उनमें सिर्फ स्पीड मीटर आपको मिलता है, इंजन आरपीएम नहीं मिलता। बट इस गाड़ी में इंजन आरपीएम मीटर भी मौजूद है, 9000 तक इसका इंजन रेव कर सकता है, 140 किलोमीटर तक ये गाड़ी जा सकती है। मैं आपको इस गाड़ी का रूफ़ भी दिखाना चाहूँगा, हल्की फुल्की क्लिनिंग वगैरह कराने की ज़रूरत शायद आपको पड़ जाए, लेकिन किसी जगह से रूफ़ में कोई कट्स नहीं है, कहीं से रूफ़ उखड़ा हुआ नहीं है, कहीं से रूफ़ फटा हुआ नहीं है, मतलब अपनी प्रॉपर कंडीशन में फ़िक्स्ड है हर एक चीज़, तो ये अच्छी बात है। इस शीशे में आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आपको मिल जाते हैं लाइट और मिरर्स, दोनों ही चीज़ें। और ये दोनों ही सनशेड्स पर मौजूद हैं। मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर का एक व्यू भी दे देता हूं, ताकि आपको तमाम चीज़ें एक ही नज़र में आप देख सकें। कुछ इस तरह से इसके इंटीरियर की कंडीशन है। और इस गाड़ी में आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, लेकिन सिंपल मैन्युअली आप इसकी सीट्स को एडजस्ट करेंगे। साथ ही आप इसके रूफ़ को एक बार फिर देख लीजिए, ये है जी इसके रूफ़ की कंडीशन। और ये सीट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हैंड ब्रेक या वो वाला पूरा का पूरा पोर्शन नहीं है, तो काफ़ी चौड़ी काफ़ी खुली सीट है, और साथ ही पैसेंजर सीट मौजूद है, और आर्म रेस्ट भी इस पर आपको दी गई है। तो बैक साइड पर अगर आ जाएं, रियर इंटीरियर की कंडीशन गाड़ी की कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं दो पैसेंजर्स के लिए बैक पर हेडरेस्ट भी दी गई है, और बैक पर आपको 50-50 स्प्लिट दिया जाता है इसकी सीट्स के लिए। तो आप चाहें तो इसकी सीट्स को फोल्ड करके, इन सीट्स को फोल्ड करके आप इसकी बूट स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। और एक और चीज़ जो सबसे मज़े की है इस गाड़ी में, अगर आप इस गाड़ी का लेग रूम देखें, मैं अगर कंपेयर करूँ इस गाड़ी के लेग रूम को किसी और गाड़ी के साथ, तो पाकिस्तानी क्रोला को तो आप रहने दीजिए, इस गाड़ी की लेग रूम जो है अप्रोक्सीमेटली आपको इतनी लेग रूम मिलती है टोयोटा की लैंड क्रूज़र में। लैंड क्रूज़र वाली लेग रूम आपको एक 660 सीसी गाड़ी में मिल जाती है, जो कि नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट होता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मज़े की एक और बात कि इसमें यहाँ पर कोई हम्प नहीं है, तो बैक पर आराम से तीन बंदे आप बिठा सकते हैं। ये एक टर्बो चार्ज इंजन है, तो फिर आम 660 सीसी गाड़ी से ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। बैक आप डोर की भी कंडीशन वगैरह देख लीजिए, ग्लॉसी पैनल बैक डोर पर भी मौजूद है। उसके अलावा जी यहाँ पर भी बैक साइड पर कोई टूट फूट नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी में टोटल आपको चार स्पीकर्स मिलेंगे, दो यहाँ पर हैं फ्रंट साइड्स पर मतलब डोर्स पर, दो आपको मिलेंगे बैक साइड के डोर्स पर। अगर लेग स्पेस के साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की हेड स्पेस की बात करूँ, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा तकरीबन इतना यहाँ पर इसके रूफ़ में और मेरे सर में डिस्टेंस है, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर अच्छा खासा इसमें आपको हेडरूम मिलता है, तो लेग रूम और हेडरूम का इस गाड़ी में कोई इशू भी नहीं है, इंतहाई कंफर्टेबल गाड़ी है जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए। आपको इसका जो बूट है इसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जी तकरीबन ये इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स भी मौजूद हैं, और तकरीबन इतनी बूट स्टोरेज है, मतलब आप अपना जो छोटा मोटा सामान है वो यहाँ पर इजीली कैरी कर सकते हैं।
और साथ ही इसमें आपको पंचर टूल किट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ये स्मॉल सिटी कार्स होती हैं तो इनमें आपको स्पेयर टायर का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन पंचर टूल किट इसमें आपको साथ दी जाती है। और यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह मौजूद है, तो गाड़ी की जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं इनकी साउंड प्रूफिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें, बैक साइड पर यहाँ पर आपको एक पोल एंटीना मिलेगा, उसके अलावा स्पॉइलर यहाँ पर मौजूद है, स्पॉइलर के बिल्कुल नीचे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, एलईडी लाइट इसमें आपको दी जाती है, यहाँ पर वॉशर मौजूद है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो रियर विंडस्क्रीन है इसमें आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। बैक साइड पर अगर ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टिंगरे की ब्रांडिंग मिलती है, वैगनआर स्टिंगरे वेरिएंट है ये, सुजुकी का लोगो मौजूद है। यहाँ पर आपको ट्रंक का लैच दिया जाता है और यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिकल बटन भी दिया गया है इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। आइडलिंग स्टॉप का बैज आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो एक बटन इसके अंदर दिया गया है इको आइडल का, उसको आप ऑन ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। गाड़ी में आपको दो पार्किंग सेंसर्स इसके बैक साइड पर मिलेंगे, यहाँ पर इसका जो रियर बम्पर है ये बॉडी कलर्ड है और रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन इसकी बैक साइड पर प्री इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा अगर गाड़ी के डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बॉडी कलर डोर लैचेस हैं और रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन फ्रंट वाले डोर लैच पर आपको दिया गया है। जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और बॉडी कलर्ड हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल का ऑप्शन भी इनके ऊपर दिया जाता है। कुछ इस तरह से इस गाड़ी की फ्रंट लुक है। सबसे खास बात, इसमें आपको हैलोजन बल्ब नहीं दिए जाते, यहाँ पर आपको इसकी हाई बीम और लो बीम दोनों ही के लिए एक एलईडी प्रोजेक्टर लैंप दिया गया है, जो कि इंतहाई एफिशिएंट होता है और बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी देता है रोड के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टल ग्रिल है इसकी फ्रंट पर सुजुकी के लोगों के साथ, और इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल भी मौजूद है, बट टर्न सिग्नल इसमें आपको हैलोजन बल्ब में दिया जाता है। तो फ्रंट बम्पर है ये ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से, इंतहाई मैसिव किस्म का बम्पर है जो डिज़ाइनिंग की गई है इसके बम्पर की, इंतहाई मैसिव है। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि इसका जो ग्रिल है और इसका जो बम्पर है वन पीस में डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर आपको इसमें दिए गए हैं फोग लैंप्स, और फोग लैंप्स इसके आते हैं हैलोजन बल्ब्स में। फोग लैंप्स गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड हों अगर तो इंसान को थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, बाद में ये चीज़ें आपको नहीं लगवानी पड़ेंगी इस गाड़ी में। अब बॉडी के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये गाड़ी टोटल अपने स्टॉक पेंट में है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रابطہ कर सकते हैं। प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 17,50,000 रुपया है। इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है, 2013 का ये मॉडल है, 2017 की ये गाड़ी इंपोर्ट है। इसके आप छत वगैरह की भी कंडीशन देख लें, तो आपको इसके हेडलैम्प्स भी ऑन करके दिखा देते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ। इसकी लाइट्स की लुक आती है कुछ इस तरह से। और एक और चीज़ इसके हेडलैम्प्स के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ, इसके हेडलैम्प्स में आपको ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, मतलब आप इसको ऑटो पर भी रख सकते हैं, तो जैसे ही शाम का टाइम होगा आपको लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। मैं आपको इसके टेल लैम्प्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ बैक साइड पर आपको इसके जो ब्रेक लैंप्स और पार्किंग लाइट्स हैं ये दी जाती हैं एलईडी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप आपको मिल जाता है हैलोजन बल्ब में, और कुछ इस तरह से इसकी रियर लाइट्स की लुक आती है। इंजन कंपार्टमेंट भी आप देख लें इस गाड़ी का, यहाँ पर 660 सीसी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है और उसमें इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको दिया जाता है, और आप इसके इंजन की कंडीशन वगैरह भी देख लें। अच्छा, ये गाड़ी ABS की ऑप्शन के साथ आती है। और गाड़ी के टायर्स की तरफ अगर आ जाएं तो इसमें आपको मिलेंगे अलॉय व्हील्स, जो कि डायमंड कट स्टाइल में हैं, ग्रे और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, बैक पर ड्रम ब्रेक है, और टायर्स की आप कंडीशन देख लें, क्लोज करके मैं आपको कोशिश करता हूँ कि टायर्स की आपको समझ आ जाए। 175/65 का टायर है, 15 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे।